क्या आपको एक रूमर के बारे में पता है कि एक टनल है जो आपको जो मांगो वो दे सकता है। जब आप उस टनल के अंदर जाते हो और अपनी विश को मांगते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। पर हाँ, इसके बदले आपकी उम्र 100 साल का बन जाएगा। और पता है इस टनल का नाम क्या है? इस टनल का नाम है उरासीमा टनल। तो स्वागत है आप लोगों का पुणे में एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक एनिमे मूवी को जिसका नाम है नाचू इन टनल सायोनारा नो दुगुची। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक स्टूडेंट को और बारिश हो रहा है तो वो हेडफोन लगा के अकेले ही स्टेशन की तरफ जा रहा है। और वो स्टेशन पहुंचते ही देखता है कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। तो वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि वो लड़की बारिश से पूरी तरह से भीग गई है। तब वो लड़की से पूछती है, क्या देख रहे हो? तो लड़का कहता है, कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद वो बंदा उसको अपना अम्ब्रेला देता है। तो लड़की उससे पूछता है, क्या तुम नहीं भीगोगी? तो वो लड़का कहता है, मेरा घर स्टेशन के बहुत ही पास है तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो लड़की पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? तो वो बंदा कहता है, मेरे पेरेंट्स मेरे इतने फिक्र नहीं करते, लेकिन शायद तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे। तो वो लड़की कहती है, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। तो वो लड़का उससे कहता है, ये तो अच्छी बात है। फिर वो लड़की उससे अम्ब्रेला ले लेती है और क्योंकि उसको इससे वापस भी करना है तो वो दोनों अपने नंबर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। और तभी हमें उन दोनों का नाम पता चलता है कि उस लड़की का नाम है ताउनो काउरो और लड़की का नाम है हानासिरो अंजू। फिर हम देखते हैं काउरो की घर को और काउरो घर से स्कूल के लिए निकल जाता है और वो आज भी अकेले ही हेडफोन लगा के स्कूल में जाता है। फिर हम देखते हैं काउरो की क्लास को और वहीं पे टीचर आ जाती है और साथ में एक नई स्टूडेंट को लाती है। और ये क्या, ये तो वही लड़की है। तब टीचर हानासिरो को अपने बारे में कुछ कहने को कहती है, बट हानासिरो कुछ भी नहीं कहती और सीधा काउरो के पास जाती है और उससे कहता है कि वो उसके अम्ब्रेला को कल लौटाएगी। फिर वो जाके अपने डेस्क में बैठ जाती है और उसके बाद क्लास खत्म हो जाता है और बाकी क्लास की स्टूडेंट हानासिरो से बातें करने आती है, बट हानासिरो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती। तो तभी उनकी क्लास की बुली आके हानासिरो को परेशान करने लगती है और उसकी मांगा को लेके जमीन पर फेंक देती है। तब हानासिरो कहती है, क्या तुम्हें कुछ ट्रबल्स चाहिए? तब वो बुलीस हंसने लगते हैं और तभी हानासिरो खड़ी हो जाती है और उस बुली को एक जोर का पंच लगा देती है जिससे उस बुली की नाक से खून बहने लगती है और ये देख के सारे क्लास हैरान। फिर हम देखते हैं काउरो की घर को जहाँ पे उसके फादर शराब पी के तोड़फोड़ कर रहा है। तो काउरो उसको जाके देखता है और उसके फादर उसको कहता है, क्या हुआ? तब काउरो कहता है, मैं सिर्फ पानी पीने आया था। और तभी हमें पता चलता है कि काउरो की एक सिस्टर थी जो कि मारी गई है और उसकी वजह से उसकी फैमिली बिखर गई है और उसके फादर शराब पी के तोड़फोड़ करता है। और तभी काउरो के फादर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मारी गई तो उसको वापस लाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े। और उसके बाद काउरो अपने हाथ को चुराता है और घर से भाग जाता है और वो भागते भागते वो ट्रेन लाइन तक पहुंच जाता है और वो ट्रेन लाइन में ही चलने लगता है और वहीं पे उसके पीछे से एक ट्रेन आ जाता है। तो वो उससे बचने के लिए साइड में कूद जाता है और साइड में कूदने के बाद वो नीचे गिर जाता है और नीचे उसको एक रास्ता मिलता है। तो वो उस रास्ते से चलने लगता है और चलते चलते उसको एक टनल दिखता है जो कि एक बड़े से पत्थर के नीचे से है और उस टनल के अंदर से काउरो को कुछ लाइट दिखती है। तो वो उसकी लाइट को पीछा करते करते अंदर चला जाता है और वो अंदर जाके देखता है कि कुछ पैर चमक रहे हैं और सारे पैर एक लाइन में हैं। तो वो उस लाइन में चलने लगता है। फिर चलते चलते उसको आगे कुछ दिखता है और ये तो एक चप्पल है। फिर वो उसको पलटता है और ये क्या, ये तो उसी की बहन की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसकी बहन तो मारी गई है। और तभी वो दौड़ के अंदर चला जाता है और तभी उसको एक बर्ड मिलता है जो कि थोड़ी थोड़ी बात कर सकती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो उरासीमा टनल है और ये पता चलते ही वो वहाँ से भाग के बाहर आ जाता है। फिर वो उस बर्ड और चप्पल को लेके अपने घर आ जाता है और घर आने पर जब उसके फादर को पता चलता है तब वो आके काउरो को गले लगा लेता है और कहता है कि सॉरी, मैं उस दिन नशे में था। और तभी उसके फादर कहता है कि वो एक हफ्तों से बाहर था, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ कुछ ही पल के लिए उस टनल में था। इसका मतलब टनल में और बाहर की दुनिया में टाइम अलग अलग है। फिर वो स्कूल में जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम एक हफ्तों से स्कूल क्यों नहीं आए। तो वो उनसे सूद कहते हैं कि वो बीमार था। तब हानासिरो भी आती है और उससे कहती है कि तो तुम स्कूल आए हो, प्लीज मर मत जाना, मैं कल तुम्हें तुम्हारे अम्ब्रेला को लौटा दूंगी। फिर वो जाके अपने डेस्क में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं काउरो स्कूल से आ गया है और वो आके उस ट्रेन लाइन में खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो फिर से उस टनल की तरफ चलने लगता है और चलते चलते वो टनल तक पहुंच जाता है और टनल के अंदर चलते चलते वो सोचता है कि वो उससे उसकी सिस्टर को वापस ला सकता है।
लेकिन तभी उसको एक आवाज आता है और ये तो हनासिरो है। तो वो उसको जल्द से पकड़ के बाहर ले आता है और जब वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि अब रात हो चुकी है। तब हनासिरो पूछते हैं ये सब क्या है। तब काउरो उसको पूरी बात समझाता है और वो लोग अंदर कुछ सेकंड्स के लिए ही थे पर बाहर पूरा 5 घंटे बीत चुके हैं। तो हनासिरो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई विश है। तब काउरो कहता है नहीं। फिर हनासिरो पूछती है क्या तुम इसके बारे में बाकी लोगों को बताओगे। तो काउरो कहता है अगर वो लोग इसके बारे में बाकी लोगों को बताएंगे भी तब भी कोई भी उन पे विश्वास नहीं करेगा। तभी हनासिरो उसको अपने साथ देने को कहता है और कहती है कि मेरी एक विश है और तुम्हारे पास भी एक होना चाहिए। हमारी गोल एक ही है तो चलो एक साथ इस टनल में चलते हैं। मैं ये खुद के लिए करूंगी और तुम भी खुद के लिए करना। तो काउरो उसके साथ देने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों टनल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। पहले वो लोग देखते हैं कि उस टनल में और रियल वर्ल्ड में कितने टाइम का डिफरेंस है। तो वो दोनों कॉल करते हैं और काउरो अंदर चला जाता है और हनासिरो बाहर रहती है। तभी एक पॉइंट में जाके फोन कट हो जाता है और जब काउरो बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि उसके मोबाइल पिछले 65 मिनट से डिसकनेक्टेड था, लेकिन इससे उनको अच्छे से आइडिया नहीं होता। फिर वो दोनों नेक्स्ट डे आते हैं और नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है कि टनल के अंदर की 3 सेकंड बाहर की दुनिया की 2 घंटे के बराबर है। इसका मतलब टनल के अंदर 1 घंटे रहने पर बाहर की दुनिया में 100 दिन बीत जाएंगे और 1 दिन बिताने पर 1.5 ईयर निकल जाएंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे और इसकी वजह से उन दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी होने लगती है। तब काउरो के फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तब काउरो मना कर देता है और उसके बाद काउरो देखता है कि हनासिरो उनकी क्लासमेट के साथ फ्रेंड बनने लगी है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से टनल के अंदर चले गए हैं और दोनों टनल के अंदर ही एक दूसरे को मैसेज करने की कोशिश करते हैं। और जब काउरो एक पॉइंट में पहुंच जाता है तब वो देखता है कि हनासिरो की टाइम कितनी तेजी से बीत रही है और जब वो वहां से बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि वो पिछले 7 घंटे से वहीं पे था। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक वेकेशन में जाएंगे। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और तभी जब काउरो हनासिरो को देखता है तभी काउरो को कुछ होने लगता है। फिर हनासिरो काउरो को पकड़ के अंदर ले जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक्वेरियम में चले गए हैं और वहाँ पे वो दोनों कुछ बातें डिस्कस करने लगते हैं। और तभी हमें काउरो की पास के बारे में पता चलता है और उसकी बहन के बारे में भी कि जब वो और उसकी बहन छोटी थी तभी उसकी बहन एक पेड़ से नीचे गिर के मारी गई थी और उसी की वजह से उनकी फैमिली पूरी तरह से बिखर गई। तो हनासिरो से पूछता है कि तो तुम क्या चाहते हो। तब काउरो कहता है मैं अपनी बहन को वापस लाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टनल में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है और आज वो लोग 108 सेकंड से पहले अंदर भाग के जाएंगे और भाग के निकल आएंगे। तो काउरो अपनी वॉच को स्टार्ट करते हैं और वो दोनों अंदर भागने लगते हैं और तभी टाइम हो जाता है पर थोड़ी अंदर जाते ही हनासिरो को कुछ कागज मिलते हैं। पर क्योंकि टाइम हो गया है तो काउरो उसको वापस जाने को कहता है पर हनासिरो कागज को उठाने में ही बिजी है। तब काउरो भी इसको मदद करता है और वो जल्दी से हनासिरो को पकड़ के बाहर ले आता है और बाहर आते ही हम देखते हैं कि अब रात हो गई है। तब काउरो हनासिरो से पूछता है क्या तुम्हें यही चाहिए। तब हनासिरो कहती है यही एक चीज है जो मुझे अपने ग्रैंडफादर के साथ कनेक्ट रखती है। और क्योंकि अब रात हो गई है तो अगर अब काउरो अपने घर में जाएगा तब उसके फादर उसको डांटेंगे। तब हनासिरो कहती है तो तुम मेरे घर चलो। फिर हम देखते हैं हनासिरो के घर को। तब हमें पता चलता है कि हनासिरो अपने अंकल के घर में अकेले रहती है और वो दोनों सेंस कर लेते हैं और हनासिरो के रूम को देख के काउरो हनासिरो से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है। और तब हमें पता चलता है कि हनासिरो की ग्रैंडफादर एक मांगा आर्टिस्ट थे और उसकी ग्रैंडफादर की जैसे हनासिरो भी मांगा आर्ट करती है। और उसके बाद हनासिरो कहती है एक मांगा का बनना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके लिए हजारों लोग पब्लिशर के पास ले जाते हैं पर उनमें से सिर्फ कुशी की ही हो पाता है। और बाकियों की तरह हनासिरो भी अपने काम को लेके पब्लिशर के पास ले जाती है। तो वो उनको देख के डर गई और वो बिना पब्लिशर को दिखाए ही वापस आ गई थी। और उसे और उसकी ग्रैंडफादर को मांगा बनाना पसंद तो है पर उसकी पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मांगा से बिल्कुल पैसा नहीं आता। और हनासिरो की ग्रैंडफादर बहुत सारे मांगास को लिखे थे और इसके लिए उसके फादर से भी कुछ पैसे लिए थे लेकिन उनमें से कोई भी मांगा पॉपुलर नहीं बना। और जब हनासिरो की ग्रैंडफादर मारे गए थे तब उसके पेरेंट्स की आंखों से थोड़ी सी भी आंसू नहीं निकले थे। और एक दिन जैसे ही हनासिरो उसके पेरेंट्स को कहता है कि वो भी एक मांगा का बनना चाहती है तभी उसके पेरेंट्स उसको घर से बाहर निकाल देता है। तब काउरो हनासिरो से पूछता है तो तुम्हें अब क्या चाहिए हनासिरो। तब वो बताती है कि उसको एक स्पेशल टैलेंट चाहिए। फिर काउरो हनासिरो से पूछता है कि क्या वो उसकी मांगा को देख सकता है। तब हनासिरो मना कर देती है पर फिर भी काउरो जिद करता है
तो हानाशिरो उसको पढ़ने को दे देती है। फिर काओरो उसको पढ़ने लगता है और हानाशिरो भी उसकी तरफ बार बार देखने लगती है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। और काओरो उसकी मांगा को ख़त्म करता है और उसके बाद कहता है, इंटरेस्टिंग, क्या मैं इसको दोबारा पढ़ सकता हूँ? और ये सुन के हानाशिरो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो जाती है। बट वो फिर भी कहती है, इस कैटेगरी में 50,000 आर्टिस्ट से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और मेरे पास कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है। तब काओरो कहता है, तुम्हें कोई स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही टैलेंटेड हो। तब हानाशिरो मना कर देती है और वो काओरो के बारे में कहने लगता है कि कैसे वो बिना हेजिटेशन के ही अपने विश को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। बट काओरो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तभी हानाशिरो काओरो को पकड़ के जमीन पर लेटा देती है और खुद काओरो के ऊपर आ जाती है। और काओरो को अपने ऊपर हानाशिरो को देख के कुछ भी समझ नहीं आता। फिर हानाशिरो कहती है, मैं उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ जहाँ पे तुम हो, और इसीलिए मुझे वो टनल चाहिए। तो अब बताओ मुझे, तुम इस दुनिया में क्या देखते हो? और यही पे ये पार्ट खत्म। तो अब हानाशिरो और काओरो दोनों के बीच कुछ कुछ होना स्टार्ट हो गया है और हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि इन दोनों की रिलेशनशिप कैसे काम करती है और क्या काओरो अपनी बहन को वापस ला पाएगी। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।